नमस्कार दोस्तों, फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। दोस्तों तो कैसे हैं, आशा करती हूँ खुश होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। तो अभी सुबह का समय है दोस्तों, तो मैं लगा रही हूँ झाड़ू। अभी मेरा बर्तन वर्तन नहीं धुला है और नल में पानी भी नहीं आया है। और नल में पानी आता है दोस्तों तभी बर्तन धोने में अच्छा लगता है, चलते रहता है बर्तन। और इधर मांझ मांझ के मैं धोते जाती हूँ, तो अभी नल में पानी नहीं आया है, तो इसलिए मैं बाड़ी तरफ का सफाई कर ली। और अब मैं चूल्हे के पास गई हूँ दोस्तों, और वहाँ भी अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ। तो ये कोयला उठा रही हूँ, लकड़ी का जला हुआ कोयला है, उसे उठा लेती हूँ। फिर राख निकालना है, तो अभी नल में पानी नहीं आया है, तो इसलिए अभी मैं चूल्हे की सफाई कर लेती हूँ। तो राख निकालने के बाद दोस्तों अभी मैं चूल्हे को लीप रही हूँ, मिट्टी से ही लीप रही हूँ। और आज कुछ बनाना है दोस्तों, आज स्पेशल बनाना है, नवरात्रि स्पेशल बनाना है। तो मैं सुबह से काम में जुट गई हूँ दोस्तों, और अभी सुबह का ही समय है। और ये मेरा नया चूल्हा बहुत काम आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ये मेरा नया चूल्हा। और अभी मैं इसी में कुछ कुछ बना रही हूँ दोस्तों, बहुत अच्छा लग रहा है ये मेरा नया चूल्हा रही। तो चूल्हे को मैं लिप लेती हूँ, फिर चूल्हे की लिपते तक नल में पानी भी आ जाएगा। तो नल में पानी आ गया है दोस्तों, तो फटाफट मैं बर्तन धो लेती हूँ जल्दी जल्दी। आज बहुत सारा काम है, खाना भी बनाना है, और उधर कुछ चूल्हे में, मिट्टी के चूल्हे में नवरात्रि स्पेशल भी बनाना है। तो इसलिए जल्दी से मैं सारा काम अपना निपटा लेती हूँ। और अभी मैं ब्रश भी नहीं की हूँ, तो ये बर्तन को पहले धो लेती हूँ, फिर उसके बाद ब्रश घिसना है, फिर नहाऊंगी, दाल चावल धोऊंगी, सब्जी धोऊंगी, थोड़ा मोड़ा फर्श भी धोना है। अगर नल में पानी थोड़ा चल जाएगा तो फर्श को भी धो लूँगी। और सभी को नहाना है, नन्ही के नाना भी नहाएंगे, माँ भी नहाएगी। तो मैं जल्दी से अपना काम निपटा लेती हूँ, जल्दी जल्दी ही करना होता है दोस्तों, नल का कोई भरोसा नहीं। बीच में लाइट भी गोल हो जाती है तो नल में पानी आना बंद हो जाता है, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी में घर का काम करना होता है। इस बार नल में पानी उतना नहीं चल रहा है, तो बहुत दिक्कत जा रही है। और बीच बाच में अगर लाइट चली गई तो फिर नल में पानी ही आना बंद हो जाएगा, इसलिए मुझे बहुत जल्दी करना पड़ता है दोस्तों, मैं थक जाती हूँ। नहीं करूँगी तो कौन करेगा, करना ही पड़ता है। तो जल्दी से मैं कर ले रही हूँ, बर्तन वर्तन धो ले रही हूँ, अभी बहुत काम बचा है। तो बर्तन धोने के बाद दोस्तों थोड़ा सा मैं इधर उधर चहलकदमी करके ब्रश भी घिस लेती हूँ फटाफट। फिर ब्रश घिस के फिर और भी काम करना है, लेकिन उसके पहले मैं नहा लूँगी। तो अभी मैं ब्रश घिस लेती हूँ, फिर उसके बाद नहाना है। तो मेरा ब्रश हो गया, और मैं बाल्टी में सर्फ डाल रही हूँ कपड़ा डालने के लिए, कपड़ा फुलाने के लिए, कपड़ा धोना है। तो मेरा नहाना धोना हो गया, थोड़ा सा मैं फर्श को धो रही हूँ। फिर फर्श को धो के पीने के लिए पानी वानी भरना है, खाना बनाने के लिए भी पानी भरना है, और दाल चावल धोना है। अभी दाल चावल मैं नहीं धोई हूँ, तो थोड़ा सा फर्श को धो रही हूँ, जूठा उठा उतना ज़्यादा नहीं निकल पाया है इसलिए। और अब पानी भी भरना है, तो इसके पहले कपड़ा को खंगार लेती हूँ, फिर पानी भरूँगी। और दाल चावल धोना है, सब्जी भी धोना है,
तो टब को धो के इसमें पाइप को रख देती हूँ और उधर कपड़ा को ले जाती हूँ। कपड़ा को वहीं पर रख के अभी इधर का काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि पानी का क्या भरोसा। तो थोड़ा सा और भी जूठा बच गया है तो उसे मैं धो लेती हूँ, फिर उसके बाद पीने के लिए पानी भरना है और दाल चावल धोना है। तो अब सब काम इधर मेरा हो गया, तो इधर मैं अब कपड़ा को सुखा लेती हूँ, टांग देती हूँ कपड़ा को। और आज बहुत अच्छा होने वाला है दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही सुंदर और अच्छा पकवान बनाने वाली हूँ। तो इसी तरह दोस्तों आप लोग मेरे वीडियो में बने रहना, और मैं जल्दी जल्दी कपड़ा को टांग रही हूँ कि जल्दी से मैं आज मैं कुछ बना के आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। तो घर का काम निपटा के दोस्तों इधर चली आई हूँ अपने मिट्टी वाला किचन के पास, और अभी मैं चूल्हा सुलगा रही हूँ। लेकिन इधर का भी काम देखना है और घर का भी काम देखना है, क्योंकि घर तरफ खाना बनाना है दोपहर का और इधर मुझे एक पकवान बनाना है। तो इसीलिए मैं चूल्हा सुलगा रही हूँ, और चूल्हा सुलगने पर चाशनी भी बनाना है। तो मैं फटाफट चूल्हा सुलगा लेती हूँ। तो चूल्हा मेरा सुलग चुका है, तो चूल्हे में मैं रख देती हूँ कढ़ाई, फिर डाल देती हूँ शक्कर, और फिर डाल दूँगी पानी, और फिर इलायची डाल दे रही हूँ। अच्छा लगता है, स्वाद बढ़ जाता है। तो मैं चाशनी बना ली हूँ, और इधर मैं अब आटा तैयार कर लेती हूँ। तो ये है मैदा आटा, तो बर्तन में मैं रख ली हूँ आटे को, और इसमें डाल देती हूँ मोयन के लिए तेल। तेल डालने पर अच्छा होता है, खस्ता बनता है। तो तेल डालने के बाद अब इसे मैं मिला ले रही हूँ, फिर पानी डाल के सख्त आटा तैयार कर लूँगी, नरम नहीं सानना है। तो पानी डाल के अब मैं आटे को गूँथ लेती हूँ। ये मैदा आटा है, तो इसे मैं सख्त आटा तैयार कर लेती हूँ दोस्तों। नरम नहीं रखना है, नहीं तो गीला हो जाएगा, नहीं अच्छा से बन पाएगा। तो अच्छा से मैं फेंट फेंट के इसे गूँथ ले रही हूँ, दबा दबा के, क्योंकि अच्छा से बनेगा इसीलिए। तो इस तरह से मैं गूँथ रही हूँ। तो लगभग मेरा आटा तैयार है दोस्तों। फिर इसमें से मैं लोई तोड़ लूँगी, और लोई तोड़ के पूड़ी के शेप में बेलना है। फिर किनारे किनारे थोड़ा सा हल्का हल्का पानी लगा के मोड़ना है। तो अब मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ कि आज मैं लौंग लता बना रही हूँ। तो लोई मैं तोड़ ली, और अब इसे मैं बेल लेती हूँ। थोड़ा सा आटा ले लेती हूँ, कहीं मेरा वो जो लोई है चौकी में चिपके ना। तो थोड़ा सा मैं आटा ले ली हूँ, और पूड़ी के आकार में अब इसे मैं बेल लूँगी, और फिर किनारे किनारे पानी लगा के फिर लवंग लता के शेप में इसे बना लूँगी दोस्तों। और ये लवंग लता खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो लौंग लता के शेप में मैं बना ली हूँ, और फिर से बेल रही हूँ, और जैसे मैं पहले की हूँ बस उसी तरह इसे भी करना है। थोड़ा थोड़ा पानी लगा के फिर इसे मोड़ना है, और लौंग लता के शेप में बनाना है, और ऐसे करके बना बना के रखते जाना है। जितना लोई है वो सभी को ऐसे ही सभी को इसी तरह बनाना है लवंग लता के शेप में। तो चूल्हे पे कढ़ाई रख के तेल डाल दी हूँ दोस्तों, और हल्का गरम तेल में बनाना है, हल्का हल्का गरम तेल में पकाना है, तब जाकर अंदर तक पकेगा। तो अब मैं एक एक करके तेल में डाल देती हूँ, और आराम से ये
लवंग लता को पकाना है, उतना आग जला के नहीं पकाना है, हल्का गरम तेल में पकाना है। तो उल्टा पलटा के मैं इसे पका लेती हूँ। फिर पकने के बाद में छलनी से छान कर जो चाशनी है सामने में तो उसमें डालना है। तो थोड़ा सा अभी मैं पका रही हूँ और इसे फिर उसके बाद निकाल के चाशनी में डालना है दोस्तों। और चाशनी में कुछ देर डूबे रहने के बाद चाशनी से भी निकाल लेना है। तो ये भी लवंग लता पक चुका है, तो इसे मैं छान के निकाल के और अब चाशनी में डाल देती हूँ और कुछ देर रहने देती हूँ। फिर और मेरा लवंग लता पक कर तैयार है दोस्तों। देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है, खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट लगेगा। माँ बैठी है खाने के लिए, तैयार है मेरी माँ। तो ये लवंग लता को मैं अपनी माँ को खिला देती हूँ, देखती है आज का मेरा लवंग लता में टेस्ट कैसा है। माँ कह रही है अभी गरम गरम है और रस से भरा हुआ ये लवंग लता है दोस्तों। देख सकते हैं कितना जूसीला है। बढ़िया भीतर है तक चूरे हैं। हाँ बढ़िया चूर गए, खराब। तो यहाँ पर मेरी माता खा रही है लवंग लता। नवरात्रि स्पेशल बना दी हूँ लवंग लता। तो आज बनाई दोस्तों नवरात्रि स्पेशल लवंग लता, क्योंकि हम लोग बाहर से मिठाई उठाई कुछ खाने वाले नहीं है दोस्तों। और अभी भरमार होटलों में मिठाई बिक रही है और कोई कोई अपने घर में भी बना लेते हैं। तो मैं भी बना ली आज लवंग लता। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो को मैं यहीं पर रखती हूँ और आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा ये कमेंट भी करें। फिर मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।